सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकट की जानकारी। सो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसका मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका दुकान मार्केट में नहीं है। अगर आप ऐसे बिजनेस को करते हो कि जिसका हर एक जगह डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट में दुकान नहीं है, तो इसका बिजनेस अगर आप करोगे ना तो बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपको करना क्या है कि मार्केट से होलसेल रेट में प्रोडक्ट को खरीद करके लाना है और इसे रिटेल में सेल करना है। इसमें मात्र 2 से 3 घंटा काम करना है, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा काम करिए और आपका पर डे की कमाई कम से कम 1000 से 500 या फ्रेंड्स 1500 या 2000 रुपये बहुत ही ईजिली बन जाएगा। जितना ज़्यादा आपका कस्टमर रहेगा उतना ज़्यादा आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत कम में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इसमें आपको कोई मैन्युफैक्चर नहीं करना है, इसमें आपको करना क्या है कि प्रोडक्ट को खरीद करके लाना है और प्रोडक्ट को जो है कि रिटेल में सेल कर देना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने में कितना रुपया आपको खर्चा यानी इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगेगा, इस बिजनेस को शुरू करने के बाद कितना रुपया प्रॉफिट होगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना होगा, इस बिजनेस को कैसे जो है कि प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सारा कुछ जानकारी A to Z इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना रुपया आपके पास रहना चाहिए कि आप बिजनेस कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो ना तो आपके पास कम से कम 8000 रुपया रहता है तो आप इस बिजनेस को रिटेल में शुरू कर सकते हो। इसमें आपको ये जो पेटी दिखाई दे रही ना, ये वाला पेटी आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। मात्र 2000 रुपये में एक पेटी मिलेगा जिसमें कि आपको 10 बंडल रहता है। 10 बंडल अगर आप एक दिन में बेच देते हो तो 10 बंडल बेचने पर 500 रुपये का यहाँ पर मार्जिन होगा। अगर आप 20 बंडल यानी 2 पेटी बेच देते हो तो 2 पेटी बेचने पर 1000 रुपये का मार्जिन होगा। अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट हम बेचेंगे। देखिए दोस्तों, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर एक काम कंप्यूटर से हो रहा है। जब कंप्यूटर से हर एक काम हो रहा है, चाहे विद्यालय हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री हो, या फिर ग्राहक सेवा केंद्र हो, या फिर जहां पर फोटोकॉपी वगैरह ऑनलाइन, जहां पर जो कोई भी काम कंप्यूटर से जहां भी हो रहा है, अगर देखेंगे तो वहां पर सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज होता है तो A4 साइज का पेपर यूज होता है। अगर आप इस A4 साइज के पेपर का बिजनेस करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाओगे। अगर आप देखेंगे तो आपके एरिया में कोई ऐसा दुकान नहीं होगा कि जहाँ पर A4 साइज का जो कि पेपर मिलता हो। साइज का तो कई आता है, A1, A2, A3 साइज भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होता है A4 साइज का पेपर। हर एक विद्यालय में लगभग यही जो कि यूज होता है, कोई फॉर्म अगर भरना हो तभी यही A4 साइज का पेपर ही यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि आपको देखिए, आप अपने एरिया में जहाँ भी ढूंढ लीजिए किसी भी तरह से कि A4 साइज का पेपर होलसेल रेट में कहाँ पर मिलता है। पहले आप लोग ये पता कर लीजिए कि कहाँ पर A4 साइज का पेपर जो है कि पेटी के रेट से मिलता है। तो आपको करना क्या है कि इसे होलसेल रेट में खरीदना है। अगर आप होलसेल में खरीदते हो ना तो ये आपको 200 रुपये प्रति बंडल के हिसाब से मिल जाएगा, और 200 रुपये प्रति बंडल के हिसाब से खरीदने के बाद आप जो है कि दुकान पर पहुंचा करके 250 रुपये प्रति बंडल ले सकते हो। इस समय मार्केट में 240 रुपये बिक रहा है, लेकिन आप इसे अगर उनके दुकान पर अगर आप डिलीवरी करते हो तो आप 250 ले सकते हो, क्योंकि फ्रेंड अगर वे लोग जितने भी कस्टमर हैं आपके, अगर उनके पास प्रोडक्ट खुद आ जा रहा है, अगर 10 रुपये महंगा पड़ रहा है तब भी वे लोग ले लेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है। अगर उनके पास जो है कि प्रोडक्ट खुद कोई ला करके दे रहा है, अगर 10 रुपये अधिक ही ले ले रहा है तब भी वे लोग खरीद लेंगे और आपका जो है कि एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले पता लगाना है कि आपके अपने चौराहे पर या फिर जहाँ पर भी आप रहते हो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस जो कंप्यूटर का यूज करके A4 साइज का पेपर यूज करते हैं। तो ऐसे में आपको उनका सबका नंबर ले लेना है। नंबर लेने के बाद आप डेली उनसे कॉन्टेक्ट में रहिए, आप जो पता करते रहिए कि किनके पास पेपर घटा है, किनको देना है। उसी तरह से जो है कि आप हर एक दिन हर एक चौराहे पर घूम करके आप अपने एरिया के 10-20 किलोमीटर तक का रेंज देख सकते हो, और इसमें हर एक एरिया में जो है कि एक दिन फिक्स कर लीजिए कि इस दिन हमें इस चौराहे पर जाना है और इस दिन इस चौराहे पर जाना है। और जो है कि इसी तरह से आप सप्ताह के 7 दिन घूम करके एक एक एरिया में अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करते हो तो बहुत ईजिली आपका ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ऑर्डर लेना है कि फ़ोन से
ऑर्डर लीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट जाइए खरीद करके लाइए। दो पेटी खरीदिए, अगर आप मान लीजिए 20 दुकान है, जो कि 20 दुकानदार अगर एक एक पैकेट लेता है आपका A4 साइज का पेपर, तब भी आपका जो दो पेटी बिक जाएगा। अगर एक दिन में दो पेटी बिकता है तो यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट बहुत ईजिली हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है कि प्रोडक्ट को खरीद करके लाना है और उन्हें दे देना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो इसमें आपको बस ज़्यादा नहीं 2 से 3 घंटा टाइम लगेगा और आपका ये बिजनेस जो है कि स्टार्ट होगा और इसमें आपका जो है कि बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह का बिजनेस अगर आप करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। जो कुछ भी डाउट है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।